जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। मैं आपसे कहूंगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश चोपड़ा उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कहा? बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है सर, क्या? और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो भैया राजभर, क्या बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। मैं आपसे कहूंगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश चोपड़ा उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कहा? बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है सर, क्या? और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। तो भैया राजभर, क्या बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में।